So hello everyone, and welcome to my channel Being Pharmacist. If you're visiting first time my channel, don't forget to subscribe and make sure to press the bell icon for all the upcoming video updates. And this is the video and which is most awaited. This is about the Bombay College of Pharmacy MPharm admission 2024. All the admissions everywhere almost done for this year 2024, except the colleges in Maharashtra. एंड जब हम महाराष्ट्र के एम फार्म कॉलेज की बात करें, सो पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ICT मुंबई एंड बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दिस थ्री कॉलेजेस आर द मोस्ट रिनोन कॉलेजेस एज पर आई नो. तो उसमें से पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एडमिशन इज ऑन गोइंग एंड ICT का प्रोसेस भी ऑन गोइंग. बट बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का जो प्रोसेस है वो महाराष्ट्र कैप राउंड के थ्रू होता है, जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एंड जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाए हैं. एप्लीकेशन प्रोसेस, काउंसलिंग कैसे होता है, द होल प्रोसेस इंक्लूडिंग द स्क्रूटनी प्रोसेस, एवरीथिंग. अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एडमिशन महाराष्ट्र के जो स्टेट लेवल काउंसलिंग है, जिसको कैप बोला जाता है, ठीक है, उसके थ्रू होते हैं. उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो मेरे इस चैनल पे इसके पहले वाले जो 2-3 वीडियोस हैं उनको एक बार देखो. कैप राउंड एम फार्म 2024 आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. और अगर आपको पता है कैप राउंड के बारे में, आप यू आर अवेयर ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी का एडमिशन वैसी थ्रो होगा. नॉट ओनली बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज एम फार्म के फार्म डी पीबी के एडमिशन उसी के थ्रो हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट ICT मुंबई एज वेल एज द पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिनके बी फार्म का एडमिशन होता है बट एम फार्म का नहीं होता है. ऑल राइट, सो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के वेबसाइट में एडमिशन रिलेटेड कुछ मिलेंगे नहीं आपको, तो एडमिशन के रिलेटेड हम लोग इस पर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस होगा ही उसकी तरफ से. लेकिन कॉलेज के नाम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा सर्च करते हो, इसलिए आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. सो यहाँ पे हम लोग एकेडमिक्स पे एक बार चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कोर्स एंड वगैरह सब कुछ. तो यहाँ पे एम फार्म जो मिलेगा आपको, बी फार्म तो यहाँ पे 6800 एंड 4800 कोर्सेज हैं, एंड एम फार्म यहाँ पे जो मेन है, तो आपको यहाँ पे बी फार्म परसेंटेज होना चाहिए 55% एंड 50%, एंड आपको GPAT क्वालिफाई होना चाहिए. एंड किस सब्जेक्ट में कितने सीट से आप यहाँ पे देख सकते हो, सीयूटिक्स, केमिस्ट्री, कोलॉजी, कोग्नोसी एंड एनालिसिस, ये आपको एम फार्म के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे. कितने स्कॉलरशिप्स मिलते हैं सब कुछ आप देख सकते हो, स्कॉलरशिप्स फ्रॉम द DTE बाय द यूनिवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आई कैन से. एंड एडमिशन की अगर आप बात करें तो एडमिशन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा कि इसका जो एडमिशन है वो सेट के थ्रू होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो जैसे कि, ठीक है. बट एक इंस्टीट्यूट लेवल भी एडमिशन होते हैं, बट जो कैप के बाद होते हैं, मतलब कैप में कुछ सीट्स जो नॉन कैप सीट्स होते हैं वो कुछ बचे कुछ सीट जाते हैं इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन, जो कि बाद में होते हैं. तो डोंट वेट फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड एडमिशन, जिसमें ज़्यादा सीट्स बचे नहीं होते, कैप के थ्रू ही ट्राई करो, ठीक है. एंड सभी के सभी को मैं बताऊंगा आप सबको कि सबसे पहला आपका जो चॉइस फीलिंग होगा, एम फार्म का चॉइस फीलिंग जब होगा, इसको ही सबसे पहले रखना, ठीक है. इसके छोड़कर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को जैसे आपने देख लिया बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के एडमिशन के बारे में, ठीक है, इसके अगर अदर डिटेल्स भी अगर आपको जानना है, लाइक प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, आप प्लेसमेंट यहाँ से देख सकते हो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ 2023-24, यहाँ पे डेटा आई थिंक अवेलेबल है 23-24 के बारे में, ठीक है. उसके बाद जो अदर डिटेल्स है लाइक फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइड करते हैं एक्चुअली. तो फैकल्टी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैंपस, सब कुछ आप लोग यहाँ से देख सकते हो. ऑल राइट, और जैसे कि मैंने कहा, इसका एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए इसके पहले 2-3 वीडियोस को देख लो मेरे चैनल पे विजिट करके, यहाँ पे क्लिक करो बिंग फार्मासिस्ट पे, फिर देख लो, ठीक है. ऑल राइट, इसीलिए मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप सबको कॉलेज वाइज एडमिशन थोड़ा सा पता लगे. और अगर कैप राउंड के अंडर, मतलब महाराष्ट्र में और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इसको छोड़कर जिनका एडमिशन कैप के थ्रू होगा, काउंसलिंग के थ्रू, जानना है तो कमेंट ज़रूर करना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू आवर फार्मा वर्ल्ड. थैंक यू.